फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पीएम मोदी इन ब्रिक्स। पुतिन जिनपिंग के सामने पीएम ने जबरदस्त बयान दे डाला। अच्छा, तो देखिए कौन सा बयान दे डाला, क्या जबरदस्त बोले। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। एक्सलेंसी राष्ट्रपति रामाफोसा, एक्सलेंसी राष्ट्रपति बोल्सोनारो, एक्सलेंसी राष्ट्रपति पुतिन, सबसे पहले इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के अवसर पर सभी ब्रिक्स देशों में हुए शानदार आयोजनों के लिए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। रिमोट हो रहा है। आपकी टीम से मिले सहयोग के लिए भी मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। ये क्या इशारे कर रहे हैं एक दूसरे को? आज लगातार तीसरे वर्ष हम कोविड महामारी की चुनौतियों के बीच वर्चुअल रूप में मिल रहे हैं। हालांकि वैश्विक स्तर पर महामारी का प्रकोप पहले की तुलना में कम हुआ, किसी को सुन नहीं रहा, लेकिन इसके अनेक दुष्प्रभाव अभी भी सबके वैश्विक अर्थव्यवस्था में दिखाई दे रहे हैं। ट्रांसलेशन नहीं, वैश्विक अर्थव्यवस्था की गवर्नेंस के बारे में हम ब्रिक्स सदस्य देशों का नजरिया काफी समान रहा है, और इसलिए हमारा आपसी सहयोग वैश्विक पोस्ट कोविड रिकवरी में उपयोगी योगदान दे सकता है। पिछले वर्षों में हमने ब्रिक्स में कई संस्थागत सुधार किए हैं, जिनसे इस संगठन की प्रभावशीलता बढ़ी है। यह भी प्रसन्नता का विषय है कि हमारे न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता में भी वृद्धि हुई है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां हमारी आपसी सहयोग से हमारे नागरिकों के जीवन को डायरेक्ट लाभ मिल रहा है, जैसे वैक्सीन R&D सेंटर की स्थापना, कस्टम डिपार्टमेंट्स के बीच समन्वय, साझा सैटेलाइट कंसल्टेशन की व्यवस्थापना, फार्मा प्रोडक्ट्स का पारंपरिक रिकॉग्निशन का आदि। इस तरह के प्रैक्टिकल कदम ब्रिक्स को एक यूनिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाते हैं, जिसका फोकस सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं है। ब्रिक्स यूथ समिट्स, ब्रिक्स स्पोर्ट्स और हमारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और थिंक टैंक्स के बीच संपर्क बढ़ाकर हमने अपना पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी मजबूत किया है। मुझे विश्वास है कि आज की चर्चा से हमारे ब्रिक्स संबंधों को और मजबूत करने के कई सुझाव निकलेंगे। धन्यवाद। तो यार, इसमें तो कुछ भी नहीं निकला। मैं तो इतनी एक्साइटेड होके बैठी थी कि पता नहीं क्या होएगा। इसमें बस यही दिखा है कि मोदी जी ने बोलने शुरू किया हिंदी में, उनके पास ट्रांसलेटर सिस्टम नहीं था, उनके कानों में ट्रांसलेशन नहीं था, तो मिस्टर पुतिन बोल रहे थे कि कान का दो भैया, तो अपने लोगों को वहां बोल रहे होंगे कान का दो। तो वही है, तो कान का वो खाली वही नहीं, फिर वो जो है बाकी दूसरे उनके भी, वो भी चाइना सभी बोल रहे थे। सब लोगों के पास कोई सिस्टम नहीं था। एसनी और जो साउथ अफ्रीका वाले थे वो भी ऐसे करके बैठे हुए थे कि भैया को पता नहीं रहा, से पता तो चल नहीं रहा बोल क्या। तो मुझे पता नहीं कि क्या पहले ऐसे डिसाइड हुआ था कि सभी लोग इंग्लिश में बात करेंगे, ऐसे कैसे हो सकता है, या फिर सबके सब अनप्रिपेयर्ड थे। मुझे लग रहा है अनप्रिपेयर्ड थे, क्योंकि मिस्टर पुतिन तो कभी इंग्लिश में बोलते नहीं है, मिस्टर जिनपिंग भी नहीं बोलते, साउथ अफ्रीकन इंग्लिश बोल सकते हैं, और फिर वो हो गया ब्राजील शायद बोले, मगर ब्राजील भी शायद पोर्चुगीज बोले। प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि भाई कोई भी अगर अपनी लैंग्वेज में बोल रहा है तो हमें करो। तो ये तो कोई भी नहीं प्रिपेयर्ड था, एक भी नहीं था। मेरे को लगा, पता नहीं पहले, पता मुझे क्या लगा, मुझे लगा कि पहले मैंने देखा कि चाइना से जो है ना जिनपिंग कुछ इशारा कर रहे हैं, मैंने कहा कोई कपला है, किसको इशारा किया, मुझे लगा कोई अपने किसी लोग को कर रहे हैं। पर थोड़ी देर बाद देखा तो पुतिन भी इशारा कर रहे हैं, मैंने कहा एक दूसरे को कोई इशारा कर रहे हैं, ये क्यों गड़बड़ चल रही है बीच में। मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये जो कान कुन में कर रहे हैं, और फिर नीचे से भी देखी दोनों फोटो की वो भी कुछ कर रहे हैं, मैंने कहा इसका मतलब इनको आवाज नहीं आ रही,
या इनको जो है ट्रांसलेटर जो है वो ट्रांसलेशन जो हो रही है वो आ नहीं रही है, तो वही कह रहे हैं कि भैया कि इंग्लिश में नहीं है तो ट्रांसलेटर भैया दो, तो वही कुछ गड़बड़ थी। पर बहुत ही मतलब अमीर हैरानी की बात है कि इतने बड़े लीडर्स की टॉक हो रही है और ट्रांसलेशन का सिस्टम जो है ऑन ही नहीं है, खासकर जब मोदी जी बोल रहे हैं। सबको पता है कि मोदी जी हिंदी में बात करते हैं, उसका तो कोई डाउट ही नहीं है, कभी इंग्लिश में बोलते हैं कभी हिंदी में, तो पहले से प्रिपेयर होना चाहिए और उनको पहले से पता होगा कि हिंदी में है तो ट्रांसलेटर चाहिए। और एक जो चीज ऑब्जर्व करने वाली थी कि पीछे जो है जहां लोग बैठे हुए थे उसके पीछे इंडिया का फ्लैग कहां था, है नहीं था क्या? क्योंकि हर बंदे ने प्लेसमेंट इंडिया का फ्लैग अपने हिसाब से किया हुआ था, मतलब सबके पीछे सबके फ्लैग्स थे क्या? नहीं, जैसे रशिया है, नहीं, हर कंट्री का जो बंद लीडर बैठा है उसके पीछे उसका अपना फ्लैग है। अच्छा। और उसके साइड में दूसरे कंट्रीज के फ्लैग आएंगे। अच्छा। तो रशिया में था, रशिया के पीछे रशिया का फ्लैग था, उस रशिया के फ्लैग के साथ चाइना का फ्लैग था, चाइना के साथ इंडिया का था। अच्छा। उसने ये नहीं किया था कि इंडिया ये रशिया है और इंडिया फिर चाइना, या एक तरफ चाइना हो एक तरफ इंडिया हो, ठीक है। सिमिलरली सभी ने उस तरह से प्लेस किया हुआ था, और चाइना ने ऐसे किया था, मतलब रशिया में, तो रशिया में आपको दिख रहा था, बाकी में क्या था, चाइना में आपको इंडिया का फ्लैग दिख ही नहीं रहा था, वो उधर था और जो स्क्रीन में आ ही नहीं रहा था, तो जिस हिसाब से एंगल रखा हुआ था जानबूझ के किया होगा। और साउथ अफ्रीका ने भी सबसे पहले रखा हुआ था सबसे दूर, तो मतलब हाँ, तो मैं यही देख रहा था कि इंडिया का फ्लैग जो है मोस्टली लोगों ने दूर रखा हुआ था। और हमारे इंडिया में मोदी जी के पीछे कैसे था? हाँ, मोदी जी के पीछे जो है एक तरफ रशिया का फ्लैग था, एक तरफ चाइना का फ्लैग था। वाओ, देखा, सबसे अकलमंदी हमें इंडियंस ही करते हैं। बिल्कुल। और नहीं, मजे की बात है, जब मोदी जी ने शुरू किया ना, इसके बारे में वापस करेंगे क्योंकि मैं भूल जाना नहीं, तो जैसे ही स्पीच शुरू की तो सबको एड्रेस कर रहे थे ना, तो उन्होंने नीचे से शुरू किया था, तो उन्होंने मेरे ख्याल से इस साइड अफ्रीका के थे तो उनको किया, फिर ब्राजील को किया, फिर पुतिन को किया। मुझे लग रहा है कि हमने वीडियो तो थोड़ा कट गया था, इससे शुरुआत से शायद शुरू नहीं हुआ, नहीं पर सीक्वेंस तो यूं जा रही थी, यूं ऐसा पॉसिबल नहीं है, जल्दी से बोला होगा, हमने देखा नहीं होगा, क्या पता, तो मुझे ऐसे लगा, मैंने कहा है नहीं, सबके नाम नहीं वो तो है ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं, जहां इतनी रिस्पेक्ट दे रहे कि इंडिया का फ्लैग के साथ, और मान लीजिए अगर किसी का नाम नहीं भी लिया तो भी वो उस वक्त सुन नहीं सकते थे, कोई बड़ा बड़ा भी उनको बोल दे तुम लोग ये वो, उस वक्त वो लोग सुन नहीं पाएंगे, बाद में ट्रांसलेशन आएगी तो नहीं, ओ ये बोल गए क्यों, और अगर ना भी बुरा भी बोलेंगे तो आवाज नाम से पता चल जाएगा मेरे बारे में कुछ बोला है, नहीं पता नहीं, मतलब प्रोनाउंसिएशन के वहां पे कोई डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन हो, नहीं पर ये इम्पोर्टेंट है जो इन्होंने नोट किया है कि वापस वीडियो में जाके देखा जाए कि सबने फ्लैग्स कैसे कैसे किए थे। और प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि आप लोग भी वीडियो देख रहे थे, किसने ये नोटिस किया था पहली बार? मैंने तो नहीं किया भैया, क्योंकि अगर दोबारा देखते हैं तो बात नहीं है, पॉइंट है था पहली बार ऑब्जर्वेंस किया इनको सीबीआई में होना चाहिए, होना चाहिए। मैं तो ऐसे ऑब्जर्व करके देख रहा था कि चल क्या रहा है, फ्लैग की अरेंजमेंट उल्टा पुल्टा क्यों किया है, इंडिया ने सबसे ठीक क्या अल्फाबेटिकल तरीका है, फिर ये तरह नहीं, जो बंदा बैठा है अपने पीछे वो पहले अपने कंट्री का लगा रहा है, वो तो क्लियर हो गया, उसके आसपास कौन सा लगा रहा है मैं देख रहा था, कौन सा इंडिया के पास लगा रहा है कोई नहीं दिखा मुझे तो। अच्छा, मोदी जी अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो ना तो ये बात नोट कर लो, पॉइंट ये भी है कि इंडिया थोड़ा केयरफुल है, बहुत उसने रशिया और चाइना से लगाया है, हाँ? दूसरी कंट्रीज में ऐसे ही बोल देते होंगे नौकर चाकर लगा दो, पर उनको ये बात तो गलत ही है ना, और इंडिया मुझे लग रहा है वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन को बोलते हैं जहाँ भाई इम्पोर्टेंट बात है पीछे दिखेगा कि इंडिया समझदार है, वो ध्यान देता नहीं, पहले ये लगाओ फिर ये लगाओ वो लगाओ, इससे कोई सिस्टम होना चाहिए, होना चाहिए वहां पे, या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाओ ताकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो, एक्चुअली होना ये चाहिए कि रूल बनना चाहिए कि कैसे आपको फ्लैग्स प्लेस करने हैं, बिल्कुल होना चाहिए, ये नहीं कि आपकी आपकी कंट्री बीच में है मगर और सब अल्फाबेटिकल होने चाहिए, होना तो यही रूल चाहिए, तो सोचने वाली उस हिसाब से जाए तो साउथ अफ्रीका का लास्ट होना चाहिए राइट, और उसके बाद पहले बी आ गया, उसके बाद चाइना आ गया, फिर इंडिया आ गया, तो इंडिया तो हमेशा कहीं ना कहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल दिखना चाहिए, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो मोदी जी का वेट करती रही कि क्या इम्पोर्टेंट चीज बताएंगे तो मैं तो वही सुनने के लिए वेट करती रही, मैंने और कुछ ध्यान ही नहीं दिया, तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।